पूरा गांव जैसे खाली खाली था। मगर अम्मा तो बार बार बुला रही थी मुझे और मैं चला जा रहा था, मगर पता नहीं कहाँ बहुत सुना सुना था वहाँ। आप ये सपना काफी बार हमें सुना चुके। नहीं ठीक है, क्या परेशानी की क्या बात है उसमें? अरे तुमने माँ की बहुत सेवा की है। और की भी तो करते हैं बाबा। हाँ लेकिन फिर मुझे याद आता है कि तुम्हें कोई फोन आ रहा था बार बार और तुम बार बार कह रहे थे अभी नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, जैसे जैसे कोई उधर आने के लिए इंतज़ार कर रहा हो मगर फिर डर रहा हो कि अब अगर नहीं मरी आज तो कल फिर आना पड़ेगा। बाबा मुझे जाना होगा, काफ़ी काम है। मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ? कल का उदान, परसों बनारस। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है और मुझे लगता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ अब। पर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मुझे कुछ हो मैं बनारस चला जाऊँ। बाबा कोई कह नहीं जाएगा। चलिए मैं भी खाना बनाती हूँ। मैं ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं क्यों कुछ खाऊंगी? तो फिर मुझे क्या पता, हमेशा कुछ ओम पुष्पमाल्याम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। हाथ में जल लें, कुसा लें, संकल्प लें, दक्षिणा कुछ रखेंगे, दक्षिणा इसमें दीजिए कुछ। ओम अमो कीलक नाम संवत्सर चतुर्दश्याम तिथि। बोलिए अहम अहम। अपना अमुक नाम, अपना नाम लीजिए। दयानंद कुमार। गौदानम करिष्यामि। अब सभी लोग माता जी को जो है प्रणाम करें और उनका चरण स्पर्श करें। आशीर्वाद जी। मुझे जाना पड़ेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? ऐसा है कि सितंबर महीने का समय ठीक रहेगा जी, क्योंकि इस टाइम मौसम भी अच्छा रहेगा। सुनीता जल्दी करो ना। सबसे बड़ी बात जो है, उस टाइम ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। मैं वापस आके ही करता हूँ। हाँ करिएगा, जैसा भी होगा बताइएगा, क्योंकि जो है शादी विवाह के मौसम में व्यस्तता बहुत अधिक है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो देख लीजिए ना, और कभी भी कोई काम हो जी तो बताइएगा, कोई दिक्कत। बिल्कुल। आइयो आइयो। सुनीता हाय, एक मिनट। हमेशा देर करा दिया तुम। जल्दी आइए जी। सर आपको साफ बोला है। सर मैं रुकूं या जाऊं फिर?
नहीं आप रुकिए सर, ये साइन करने के लिए बैठे। चेक कर लिया जी। एक बार बताइए सर, बनारस का कारण गंगा है या गंगा के कारण बनारस? सर मालूम नहीं सर मुझे, क्यों? बस ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अगर गंगा की कोई बात है तो भाई गंगा तो कानपुर में भी है, फिर बनारस आने की क्या जरूरत है? लेकिन सर मोक्ष तो वहीं मिलता है ना। यार मोक्ष तो कहीं भी मिल जाता है, आस्था की बात है। आपको आस्था है? चलिए, खैर आपका ही जाना क्यों जरूरी है सर? और कौन जाएगा मतलब? यहाँ का क्या होगा सर? मैं मैनेज कर लूंगा सर। आप टारगेट का ख्याल है? बिल्कुल। नमस्ते। खुश रहो भैया। क्या बढ़िया हो जी। प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बहुत बिजी रह गए भैया आजकल। कहाँ बुआ, बस ऑफिस जाना पड़ता है। आ गया के। अच्छा काटिए वही समझिए। ललचाए हुई नजर नहीं देखना। बस बस राजी उनके मुंह में भर दो कुछ मीठा बोल बोले। बुआ जी उनको समझाइए ना। अरे क्या समझाएं, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। वो तो है, फिर भी एक बार कोशिश करें। अरे कोशिश ही करना तो अपने काम में नहीं रुकेगा। मुलाकात हो गई। कम से कम शादी तक तो रुक जाते हैं। कुछ कहा सुना हो गया तो माफ कर देना। बस अच्छा शुरू से शुरू करते हैं। तीन कुर्ते ये रहने दो, ये अच्छा नहीं, छोड़ दो। और किताबें ये है ना, थोड़ी और रखो ना। इतनी तो है, कम है। सुबह 7 बजे टैक्सी आ जाएगी, तब तक पैकिंग हो जाएगी। बाबा कुछ दिन और रह जाते तो क्यों? वो ऑफिस में थोड़ा काम करना। क्या है, टैक्सी में बैठ के जाना ही है ना, तो मुझे टैक्सी में बिठा देना, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इतना समय है ना तुम्हारे पास? मैं चलो। ये देखा, ये क्या है? तुम्हारी दादी का है, शादी में पहनना। मैं तो अभी पहनूंगी। कैसा लग रहा है?
तुम आओगे ना? कहाँ? बनारस या? बनारस घाट तक. ये लो, अब आज से ये टीवी तुम्हारा. इसीलिए मैं आपको नहीं रोक रही हूँ. मुझे कैसे पता चला उनका टाइम आ गया? पता नहीं, शायद पता चल जाता होगा. दादाजी तो अट्टे कट्टे थे, लेकिन वहां जाने के 10 दिन के अंदर फिर चले गए. हाँ, चले गए. मर गए. ओ, ओ 10 दिन लगेंगे. मुझे क्या मालूम? तुमने तो कहा. फिर मैं दादाजी के बारे में कह रहा हूँ, बाबा का नहीं मालूम. कितने दिन लगेंगे? सामने की क्या बात है, पूछ ही तो रही हूँ. तो सोच समझ के पूछा करो ना. कब मरेंगे, कब मरेंगे? अरे मैं क्या वहां जाकर उनका गला घोट दूं? ये कहा मैंने? तो क्या कह रहे, क्या कह रहे हो? भूख लगी है? हाँ? नहीं, पूछती हूँ जैसे कि यमदूत वाली लिस्ट मेरे हाथ में है. कार्ड रख के जाना, घूमने घामने का बहाना है बस. अरे थोड़ा तेज चलिए ना. क्या कर रहे हो यार? आहिस्ता भाई, आहिस्ता, धीरे चलो. जाके बनारस पहुंचने से पहले ही कहीं ऊपर मत पहुंचा देना.
जाते रहे, आप मत रुकिए। जय हो गंगा मैया, जय हो। वापस चलते हैं ना? क्या बात कर, चलना? नहीं चलिए ना वापस। अरे चलना चल। ऑफिस किस तरह है? मिश्रा जी, यहाँ तो सब कुछ वैसा है, कुछ भी नहीं बदला। यहाँ तक घड़ी भी वही है। अब हम भी अगर समय के साथ बदलने लगे तब तो विरोध चुका। आयु 76। आपकी? इनकी? अब इन्हें बताने दीजिए ना। 77। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका समय आ गया? अब हम बार बार एक ही सपना देखते हैं मिश्रा जी। ओ, सपना। सपना तो अंतर मन की आंख है। टीवी तो नहीं है जी? नहीं। मांस मछली तो नहीं खाते हैं जी? अभी तक तो नहीं है। अब देखिए, यहाँ लोग काहे के लिए आते हैं? मोक्ष की तलाश में। सब आस्था की बात है, मोक्ष क्या है? ए, भाग यहाँ से। तो हम कह रहे थे, मोक्ष क्या होती है? आत्मा को लगता है कि वो एक लहर है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है, नहीं वो सिर्फ एक लहर नहीं, वो तो एक समंदर है। ये है मोक्ष। नहीं आया समझ में? हम आपसे झूठ नहीं कह रहे थे कि यहाँ सब फुल है। फुल था, लेकिन आज ही एक आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गई। देखिए, मृत्यु एक प्रक्रिया है। आप उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं? मिश्रा जी, प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। चलिए, यहाँ 14 कमरे हैं। साफ सफाई का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। सदगुरु भी रख सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। बीमार होने पर हमारे यहाँ इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। खाना भी आपको अपना खुद ही पकाना पड़ेगा। मांस मच्छी ना खाना है, ना खा करके आना है। दारू तो नहीं पीते हैं ना? दारू पीते हैं क्या? ना। भांग, चरस, गांजा, अफीम? ना। लेकिन भांग तो यहाँ की बहुत मशहूर है, किसी से पूछ लीजिए, पीछे वाली गली में। कृपया पंडितों को पैसा न दें। अब आप जिंदगी भर कुकर्म करते रहे और मरते समय पंडित को पैसा देकर के कहें भैया हमारे लिए फलाना फलाना पाठ कर दो, उससे कोई फायदा होता है क्या? आइए इधर आइए, यहाँ पूजा अर्चना होती है। अरे क्या मिनमिना रहे हो भैया, जरा जोर से गाओ, दम नहीं है क्या? आइए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गंगा जी के घाट पर हैं। गंगा जल की आवश्यकता हो तो चाहे नदी से ले लीजिएगा, चाहे ऊपर हमारे ऑफिस से ले लीजिएगा, वहाँ भी रखा हुआ है। बगल में शादी घर है, पल्ली तरफ तबेला, नाम मुक्ति भवन है,
लेकिन हम मुक्ति प्राप्त होने तक कमरा नहीं देते। कमरा सिर्फ 15 दिन के लिए मिलता है, बस। बस 15 दिन? उसके बाद? उसके बाद भैया हम क्या जाने, आप जानिए। अगर ऊपर चले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर वापस जाइए। तो अच्छा है ना, वापसी में ट्रेन ले लेंगे। तो यहाँ आसपास में बुकिंग एजेंट है? आइए आइए। देखिए यहाँ शांति बनाए रखिए, आइए आइए। मुक्ति मिली, मुक्ति मिली। कोई और कमरा नहीं है? है, यहाँ से बाहर निकल कर राइट, फिर लेफ्ट, थोड़ा आगे जाकर के अप्सरा लॉज है, वहाँ है कमरा, 500 रुपये रोज। ये ठीक है? ठीक है। दाह संस्कार के लिए हम यहाँ लोगों को जानते हैं, कहाँ जाना है हम आपको बता देंगे। गौदान तो कर दिया है ना? जी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। मुक्ति मिली, मुक्ति मिली। यहाँ रह पाएंगे? क्यों, क्या खराबी है? ये पूरब इस तरह मैं आता हूँ अभी। बोलो जय जय सितारा, जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम नाम ही सच्चा जग में, राम नाम ही सच्चा जग में, जपे रोज हनुमान। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम नाम ही सच्चा जग में, राम नाम ही सच्चा जग में, जपे रोज हनुमान। जय जय सीताराम। मुझे ना थोड़ा ये भजन कीर्तन थोड़ा कम आता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आने लगेगा। बाबा ये राजीव है, मेरा बेटा। आप विमला जी, प्रणाम करो। मेरे रवि जितना बड़ा होगा। बोला खटोला जी, देखते हैं? नहीं। फिर क्या देखते हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, ये देखते हैं। अच्छा, आप देखते हैं, पुड़न खटोला देखते हैं। जी, जी। तो फिर आइए, हम लोग ऊपर टीवी देखते हैं, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। बाबा खाने का क्या करें? खाने का मेरे पास बहुत खाना है। नहीं, बिल्कुल बाबा, हम कुछ कर लेते हैं ना। कुछ कर, मेरे साथ खाने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम कुछ कर आइए। चलो करी तो अचार लेंगे। चूहे बहुत घूमते हैं यहाँ नीचे। 15 दिन के लिए इतनी तैयारी? 18 साल हो गए। सर, मैं वर्मा जी के साथ आई थी यहाँ, तब सोचा था कि दोनों इकट्ठे उठ जाएंगे, पर वो चले गए और मैं रह गई। मिश्रा जी कह रहे थे 15 दिन मैक्सिमम रहने देते हैं। नियम तो यही है। आजकल यहाँ मेरा नाम सुरभि है। मतलब? नमक ठीक है? हाँ।
बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा खाना बन रहा है। अकेला रहना तो अच्छा नहीं लगता होगा। पहले नहीं लगता था, पर अब विरक्ति है इसलिए सब अच्छा लगता है। अब तो तैयारी है बस। बहुत अच्छा है, थैंक यू। तुम आजकल के लोगों को ना थैंक यू कहने की बहुत बीमारी है, हर बात में थैंक यू। सॉरी। और सॉरी भी। आप लोग थक गए होंगे? नहीं जी। बाबूजी, देखिए ना, आंखें खोलिए बाबूजी, देखिए ये वापस आ गया। ये ऐसा ही मजा लगाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। हाँ पापा। पानी लाना पड़ेगा। क्या चाहिए? वो पानी खत्म हो गया तो ऑफिस में टेबल के पास। जी निशा जी, भूत तो होंगे ही। भूत? हाँ। ये क्या होता है? वो भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी आत्मा। आत्मा यहाँ शरीर के भीतर रहती हैं, एक बार निकल गई तो फिर जीवन के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। फिर उनका यहाँ क्या काम? सुनिए, पान खाया कीजिए। एक दिन के लिए नहीं आना होगा ना, आने जाने में एक दिन निकल जाएगा। मैं शैलजी से बात कर लूंगा।
राजीव आप टेंशन मत लीजिए ना, टारगेट पूरा करना तो राजीव एक मिनट सर। हाँ बाबा। अब मेरा दूध गर्म कर दो। दूध लाना पड़ेगा। तुझे मालूम है ना सुबह सुबह मुझे दूध चाहिए होता है। सर होल्ड कीजिए, काम चला लीजिए ना आज। ठीक है, मैं खुद ही लेके आता हूँ। सर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, मैं लेके आता हूँ। सुबह लाना सर। हाँ भाई साहब दूध मिलेगा सुबह 7 के पहले? थोड़ा दे दीजिए ना। शाम को चले आइएगा। थोड़ा चाहिए। शाम को, शाम को। मैं हूं ना, मैं नहीं, नहीं मेरी बात तो सुनिए आप। आप ऐसा समझिए कि आप आम का पेड़ लगा रहे हैं आपके बेटे और पोतों के खाने के लिए, बस जी। कोई बात ही नहीं। ये खाना है? मैं ये बोल रहा, सुन लीजिए, आप मेरी फैमिली की तरह है। मैं जैसे वापस आते ही मैं नमक नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बाबा। दिन में तू फोन पर लगा रहता, खाने के वक्त भी फोन पर कर रहा है। तो खाना खाए ना आप। नहीं एक मिनट, खाना खाए ना आप। ऐसे खाना खाने लगा तो मत खिलाओ, मैं अकेले बना लूंगा। मुझे नहीं खाना खाना है। खाना है क्या? हाँ चल जी तू खा लेना, मैं बाद में बात कर सकता हूँ। तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए अमित मिश्रा? 3 मार्च को ही चले गए, कुछ दिन और रुक जाते। 13 को अपने पोते के बर्थडे का केक खा के जाते। तुम्हारी याद में तुम्हारा पोता कहता है, दादाजी आ जाओ नहीं तो मैं तेत नहीं टाटूंगा। ये कोई भाषा है? मैं होता ना तो नंबर काट देता। अरे आजकल ऐसे ही लिखते हैं, अब तो रेडीमेड मैसेज आने लगे हैं, अखबार वाले सिर्फ नाम बदलते हैं छाप देते हैं। भाषा का सत्यानाश कर रहे हैं। मैं तो अपना शोक संदेश खुद ही लिखूंगा। एक मेरा भी लिख दीजिए। दवाई तो धूप में क्यों बैठे हो? बाद में आऊंगा। ऐसा करो अपना शोक संदेश लिखवा लो। क्यों लिखाऊं? अरे फ्री में लिख रहे हैं। सो जाइए। मैं खाना लेने जा रहा हूँ। हल्ला क्या? हाँ मैंने सोचा मैं साधुओं वाला खाना खाऊंगा। फल साधु नहीं उद्योगपति खाते। तो झूठ नहीं कह रहे थे कि यहाँ सब फुल है। फुल था लेकिन आज ही एक आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगी। मृत्यु एक प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं? अभी लीजिए यहाँ अंगूठा लगाइए। सदगुरु। हाँ। इधर आओ, आपको ले जाकर के 12 नंबर में फिट कर दूँ। चलिए धन्यवाद। अभी मत कहिए, अभी तो लंबा चलेगा। क्यों क्यों लंबा चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, जल्दी निकल लेंगे। मिश्र जी आपको कैसे पता है कि कौन कब मरेगा? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन पता लग जाता है। रिकॉर्ड देख के तो नहीं लगता है कि पता लग जाता है? देखिए मेरी उदारता को मेरी बेवकूफी मत समझिए। तो पापा का बताइए ना। वो नहीं बताऊंगा। क्यों? जिस दिन बता दिया हाँ। उस दिन मेरी वो शक्ति छिन जाएगी,
किसने कहा? बस पता है और क्या? बताइए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा ना नहीं? कुछ नहीं मालूम, इनको बकवास करते रहते हैं। अच्छे आदमी थे। साल हो गए यहाँ आए हुए। हाँ बताया था। भूल जाती हूँ मैं। उस उम्र में मैं भी भूल जाता। कई बार राजीव नाराज हो जाता है। बार बार एक ही बात बताते हो, बार बार एक ही बात बताते हो। मेरा रवि भी बहुत काम करता है, इसलिए जब भी मुझे फ़ोन करता है ना, खाते खाते करता है। मैं बहुत कहती हूँ खाते खाते मत बात किया कर। कहता है माँ फिर कब करूँ। आजकल बस ऐसे ही हो गया। राजीव भी तो दिन भर यही कहता है, ये एक हाथ में फ़ोन एक हाथ में खाना। यही के बाद मुझे गुस्सा आता है। मुझे थोड़ा पानी से डर लगता है। अरे अब तो आ गए, आइए। ये लीजिए भैया। मैं देता हूँ ऊपर। अरे अरे कोई बात नहीं, चलिए चलिए आइए। तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? वो जो तुम लिखते थे वो कहानी वगैरह? कविता? हाँ हाँ वही कविता, वो जो चांद के बीच बैठी बूढ़ी औरत, वो सब आपको याद है? हाँ मैंने तो अपने कुलीग को भी पढ़ाई थी। आपकी छड़ी ने छुड़वा दिया। छड़ी ने? पूरी क्लास में कोई कुछ भी करे, सजा तो मास्टर साहब की बेटे को ही मिलती थी ना। वो छड़ी तुम सबकी बेहतरी के लिए थी और तुम मेरे लिए कोई अलग नहीं थे। बिल्कुल। नाकामयाबियां किसी दूसरे पर लादना कितना आसान होता है। मैं अपनी फिल्म में ठीक ठाक हूं बाबा। आप लिखिए ना शोक संदेश।
मैं डॉक्टर लेके आता हूँ बाबा। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर चाहिए बाबा। नहीं, मुझे गंगा जल। गंगा जल? हाँ बाबा, समय आ गया गंगा जल तैयारी करो। खाओगे कुछ? मुझे लगता है कि तुम दोनों को आ जाना चाहिए अभी। हाँ नहीं, बस जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। अपने अंतिम संस्कार के बारे में कहा था, बेल की लकड़ी ली है चंदन के साथ। क्या क्या बेल, क्या चंदन? भाग्यशाली है आपका बेटा है आपके साथ। बात बात है। सुना है अंतिम समय आने पर हाथी सब कुछ छोड़ के अकेला चला जाता है। बस भी करिए। शुरू करें। थोड़ा सुर में गाइए। अच्छा अच्छा जीने जीने बिने रे जगरिया रे जीने। हेलो।
तुम कितने मासूम मासूम कविताएं लिखा करते थे। मैंने तुझे पनपने नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा, आप शांत हो जाइए। बाबा बाबा शांत हो जाइए। बाबा शांत हो जाइए। बाबा को तेरा बेटा कैसा लग रहा है बाबा? कैसा लग रहा है? फिट राजी। हाँ बाबा, उड़न खटोला चले जाओ यहाँ से और कभी वापस बताना। हमने तुम्हें अपने परिवार में शामिल किया और तुमने हमको धोखा दिया है। आप कैसे कह सकते हैं, ऐसा मत बोलिए। खामोश। बाबा जी अगर आप चाहते हैं ना कि मैं तो चला जाऊँ, मैं चला जाता हूँ कि मैं हमेशा यहीं रहूँगा। टाइम हो गया दया जी, दस मिनट दिल में। ये इसका बड़ा बेटा भाग गया ना, तो उसके बाद ये चोरी चोरी आ गई। आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी। गुलाबी बहुत अच्छी चाय बनाती है। उसी से बनवा लेना। मेरी चाय के बारे में तो कभी कुछ कहा नहीं। तो मैंने कब कहा कि तुम्हारी चाय खराब है? अच्छी होती है ये भी तो नहीं कहा। तो कहने की क्या जरूरत है? ले लो। लगा तुम आई हो। बारह दिन हो गए हैं। मैंने सुना यहाँ पे 15 दिन से ज्यादा भी रुकवाते हैं। वापस चलो ना उनको छोड़ के। तो कितने दिन रहोगे यहाँ पे? अब तो ठीक भी लग रहा है। तो क्या मर जाते?
फिर से सपने देखने लगे हैं क्या? नहीं, पूछा नहीं। उन्हें भी ले चलते वापस। अगर सपने देखने लगेंगे तो फिर से ले आना। अच्छा, जैसे कि वो मेरी बात मानेंगे। अगर मानते तो हम आते क्यों? यहाँ पे तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा। बिल्कुल, सर्कस चल रहा है हमारे घर में। यहाँ आने से पहले मम्मी बोलती है, सुनी तो फॉर्म लिया, फॉर्म लिया, फॉर्म लिया। भर दो आप जल्दी से। भर तो रहा हूँ, जब तक फॉर्म भर के घोषित नहीं कर दो आदमी मरता नहीं। कमाल, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम जाने वाले नहीं हो। तुम इतने बीमार हुए, सबको लगा कि अब गए, पर तुम तैयार ही नहीं थे। क्या? मैं कह रही हूँ तुम तैयार नहीं थे। घर चलो ना दादू। सोच लो, फिर से तुम्हारा कमरा चला जाएगा। रूममेट की आदत हो गई है, बच्चा नहीं लगता। अब तो कुछ दिनों में तुम्हें नया रूममेट मिल जाएगा। कितनी सीटें हैं? चार। मिर्ची अभी डालें बाद में? शाम के बाद ही डाल दीजिए। धनिया कम डालते हैं। मसल के डाल में होता है ना, तो स्वाद नहीं। जी ला रही हूँ। साधु वाले खाने का क्या हुआ? अगर आप अच्छा बनाने लगेंगे तो वो वापस कैसे आएंगे घर? बाबा, स्कूटर का क्या करें? इसको दे दो, ये चलाएगी। ये स्कूटर चलाएगी? चलाती है। स्कूटर चलाती? कब से? दादू ने सिखाया है। क्या? दादू ने सिखाया है। अच्छा चलाती, अच्छा चलाती। वो विमला जी को बताया क्या? क्या? वही मार्केट वर्क जाने के बाद। ये भी अच्छा है, मुझे लगता है ये ना गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा। हाँ। मुझे लगता है ये हम उसकी नंदन के लिए दे सकते हैं। तुम डिसाइड करो ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बाबा, यहाँ भी करेंगे शादी की शॉपिंग। सुनीता, ये देखो, मुझे क्या लग रहा है कि ये जो है ना, ये तुम्हारी ननद के लिए बहुत अच्छी है। पता नहीं भांग पीने की क्या सोची है। बताया ये बनारस की बात ही लीजिए। अरे, मशहूर चीज है ये। अगर पापा को पता चल गया तो क्या, वो हम दोनों को मुक्ति दिलवा दे। हाँ, पियो पियो भांग पियो।
आके देखिए ना आप लोग, उधर ऊपर हो रहा है ना आरती। हंसी जा रही हो तुम तो? आरती से देख रहे हैं कहाँ आपके? कोई बात नहीं मानी, बात ही मत करो उनसे। आज तो बस हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते। ये पहले हफ्ते का, दो हफ्ते हो गए, कल 15 दिन हम खाली कर देंगे। नहीं करना होगा जी। देखिए जब समय आएगा तो चले जाएंगे, वो अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से उन्होंने मृत्यु की प्रक्रिया शुरू की थी। मिश्रा जी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लो भाई तुम्हारे 900 रुपये। 100 रुपये? अरे पिछले बार 2 दिन कम भी तो आए थे। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर तो है ना जी? मिश्रा जी बहुत ही बर्बाद होगी। ऐसा करिए आप एक कोई नाम बोलिए, ठीक है जी? किसका? अरे किसी का भी बोलिए, कुछ भी बोलिए। नटवरलाल। नटवरलाल, आज से 15 दिन तक आपके पिताजी का नाम रजिस्ट्री में नटवरलाल रहेगा। नहीं मिश्रा जी, आपने कहा ना अपनी तरफ से हम नहीं कहेंगे जाने के लिए। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है, एग्जाम के बाद फिर आऊंगी। वही करना जो तेरे मन को अच्छा लगता। जीते रहो बाबूजी। जीते रहो बाबू। चलिए ना घर, धीरे धीरे आदत हो जाएगी बेटा। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, इधर ही रहना। एक सांस से खींचेंगे, एक नाक से, एक से निकालेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। ये टेंशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं चाहता हूं तुम मुझे धूमधाम से विदा करना। आपको या सुनीता को? अच्छी फैमिली है। सुनीता को पसंद है? क्यों नहीं ऐसे? उसने कहा आपसे कि उसको पसंद नहीं है? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन लगता है बहुत पसंद भी नहीं है। तेरे कारण कर रही है शायद। ऐसा कहा उसने? नहीं कहा नहीं, लेकिन कुछ ना कहना भी तो कहना होता ना। अब इसका क्या इलाज है? मुझे लगता है तुमसे डरती है, इसलिए कुछ कहती भी नहीं। मुझसे क्यों? मैंने तो कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। डर सिर्फ क्या मारपीट का होता है? आप उसके दिमाग में ये सब आइडिया मत डालिए प्लीज। मैं डाल रहा हूं क्या? आपने तो मेरे बारे में इतना कभी नहीं सोचा। तुझे कैसे मालूम नहीं सोचा? इतना बड़ा ऐसे ही हो गया क्या? रहने दे।
बात कहूँ सच्चा जी? बोलिए। मुझे कहीं तो लगा था कि अब तुम गए। थोड़ी थोड़ी जलन भी हुई थी। जलन? हाँ, मैंने सोचा कि मैं इतने सालों से यहाँ इंतजार कर रही हूँ और तुम तो अभी अभी आए हो। इसका मतलब मुझे काला टीका लगाकर मरने की कोशिश करनी चाहिए थी। कोशिश करने से कौन मरता है? वर्मा जी के बाद कौन था जिसके लिए वापस जाती? मैंने भी बहुत कोशिश की, कई कई दिन भूखी रह लेती थी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर समझ में आया कि कुछ करने ना करने से मौत नहीं आती, अपने मन से आती है। खाओगे? सब ठीक है ना? एक क्लाइंट भाग गया। कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। तुम्हें ताजी हवा की जरूरत है। चलो, बहुत काम है बाबा। चलो। अच्छा बाबा, ये बताइए, आपको क्यों लगा कि आपका समय आ गया है? बस लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए। क्यों? मतलब हम लोगों ने आपका ख्याल नहीं रखा? नहीं, वो बात नहीं, बस थकावट सी हो गई थी ना। तो अब होता नहीं सब कुछ, थक गया मैं। अगर आपको दोबारा हमारे इस परिवार में जन्म लेने का मौका मिले, फिर भी नहीं? मैं आदमी क्यों बनूंगा? मतलब मैं तो शेर बनूंगा। मेरी अम्मा कहा करती थी, मेरा शेर बेटा है। मैं तो शेर बनूंगा, या फिर कंगारू भी बन सकता हूँ। क्यों? क्यों मालूम? उसमें पॉकेट होती है ना, कुछ भी रख सकते हैं, चश्मा, पेन, बच्चा, कुछ भी। कंगारू बनूंगा। सब चीजें पॉकेट में। लेकिन फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या, पॉकेट तो होगी। बस
अच्छा लो ना ठीक है बहुत अच्छा है एक, अरे शांत हो जाओ क्या मतलब है शादी नहीं करोगी हाँ पापा नौकरी ले ली इसने क्या नौकरी ले लिया है दिमाग खराब हो गया इसका अचानक नहीं पापा तो छोड़ ना क्या हो गया ये सिग्नल कम आ रहा है तुमको तो पसंद है ना हाँ क्यों बोला था तुमने पहले क्या हाँ क्यों बोला था पहले तुमसे पूछ रहे कोई और है क्या तुम्हारा नहीं हेलो अरे सुनाई क्यों नहीं दे रहा देख ना थोड़ा अब तो कार्ड भी छप गए कार्ड भी छप गए हेलो मैं आपको कार्ड के पैसे मैं कमा सॉरी क्या कर दूंगी क्या हेलो मैं लौटा दूंगी से क्या लौटा दूंगी पैसे लौटा देगी कह रही है क्या पैसे वापस कर दोगी पूरे कनौज में खिल्ली उड़ेगी नहीं उड़े पापा किसी को फर्क नहीं पड़ता तुझे फर्क पड़ता है आप चिल्लाइए मत रहने दीजिए तुम्हें नहीं पड़ता हमको फर्क पड़ता है हेलो 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 सुनो आप शांत रहो हेलो नाक कटवा दी इस लड़की ने मार शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग कितने पैसे फिर के लाइट लगवा दो कितने पैसे 50 ओनली थैंक यू जी राजीव सर देखिए अचानक से कुछ हो गया तो मैं आ नहीं पाया बस मैं आ जाऊंगा सर कुछ दिनों में आ जाऊंगा मैं सर अब टेंशन मत लीजिए ना सर क्यों चिल्ला रहे हैं आप सर अभी गए तो अपने को कभी माफ नहीं कर पाओगे चिंता मत करो उनको जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी अब क्या करेगा वो बेचारा बेचारा क्यों अब उसकी बेटी उसकी मर्जी से जिएगी अपनी मर्जी से बेचारा
ऐसी बात नहीं है, एक बार बात करके देखो उससे अच्छे से। मैं अच्छे से बात नहीं करता क्या? जिद्दी है वो। ठीक, जो आपका मन है कीजिए। चलिए सो जाइए। सर 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 उठिए सर, रिसीप्ट लीजिए। पेन 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 पेन। क्या हुआ? विमला की मुक्ति मिल गई। एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, जब पिजड़ा से सुगना फरार, जब पिजड़ा से सुगना फरार, नाते नातेदार कोई काम नहीं आवेला, नाते नातेदार कोई काम नहीं आवेला, गौआ कलो गवा खड़े रह जावेगा, गौआ कलो गवा खड़े रह जाएगा, भाई भतीजा बस कहार होई, राम भाई भतीजा बस कहार होई। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी माँ को काशी में मुक्ति मिली है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मिला सागर की तरह शांत थी, ऊपर से शांत, अंदर भले ही तूफान चल रहा हो। मिला गई तो मैंने तुरंत बाजार से जाके लड्डू खरीदा और मोहन हलवाई से कहा दो गिलास लस्सी दे दो, भांग वाली, एक मेरे लिए और एक मिला के लिए। जब मैं दोनों गिलास चढ़ाकर घाट पर गया तब देखा कि विमला उड़ी चली जा रही है गंगा जी के ऊपर ऊपर। मैंने पूछा ये भांग का असर है या तुम सचमुच में विमला हो? वो बोली मुझे विमला मत कहो, वो तो मैं तब थी जब तुम्हारी तरह जीवन और मौत के बीच में झूला झूल रही थी, अब तो मैं आत्मा हूँ, उन्मुक्त आत्मा, मेरा कोई नाम नहीं है। विमला को आशा है कि उसकी आदमी कोई इमली का एक पेड़ लगाएगा, इमली का पेड़ लगाएगा।
बाबा अब तुम्हें जाना चाहिए राजीव। कहाँ कहाँ जाऊं बाबा? इतने सालों बाद तुम मुझे फिर अपने से लगने लगे हो। अब तुम्हें जाना चाहिए। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं पर हूँ आपके साथ। मैं नहीं जाऊंगा बाबा। जाओ राजीव। बाबा आप मेरे साथ चलिए ना, चलिए ना, बहुत दिन रह लिए यहाँ पर, घर चलिए ना बाबा। अब जाके तो मैं तैयार हो गया बाबा। अब जाओ। नहीं बाबा, आप मेरे साथ चलिए, चलिए ना। बस अब हो गया, आप चलिए। मैं हाथी हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे जाने दो। अकेला छोड़ दो मुझे। सब कुछ ले लिए ना? जी बाबा। Thank you.
अपना खाना खुद बनाएंगे। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूं। लता,
मन की करो हमेशा। मन सच्चा, बाकी सब झूठा। देखो कांच सा सपना टूटा। मन की मानो, मन की जानो, मन बस अपना ये पहचानो। करो वही जो मन को भाए, वरना जीवन भर बचता है। दयानंद कुमार प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। उनकी रचनाएं आज भी कभी कभार पुरानी किताबों की दुकानों में धूल चाटती हुई धूल चाटती हुई दिख जाती है। धूल चटाऊं या दीमक ये लिखा धूल चटाऊं या दीमक। Jenny.